शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये जो आप खेत देख रहे हैं ना, ये सब हमारे हैं। वाओ, कूल। घर में माँ है, दादाजी हैं, दादी हैं, सब अच्छे हैं। पिताजी भी बहुत अच्छे हैं, बस सिर्फ उनका गुस्सा थोड़ा तेज है। द ओल्ड एंग्री यंग मैन। डाकू आ गए। अरे आपने बताया नहीं, आपके गांव में अभी भी डाकू है। You never told me still the dakus are there in your village. अपना डाकू भाई साहब, ये चंबल छोड़कर हमें अपने चुंगल में फंसाने के लिए क्यों आ गए भाई? हमारे ठाकुर साहब को डाकू बोलता है। ओके, ये ठाकुर साहब है, शिकार करने निकले। माँ आपकी जगह ठाकुर साहब वो दिन फाख्ता हो गए जब बेजुबान जानवरों का शिकार हुआ करता था। अगर ये चिड़िया भी मारी ना आपने तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगा। अंदर हो जाएंगे आप। राजू, ये क्या कर रहे हो? What can you do? ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? तुम मुझे गोली मारोगे? Come on, come on, hit me, come on, come on. राजू, ये मेरे पिताजी हैं। Okay. All right. Daddy, मेरे अच्छे डैडी, बेजुबान जानवरों का शिकार मत कीजिए, उससे आपको सजा हो सकती है। कौन है ये? जी, ये मेरे पति हैं। श्रीमान विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, उमा देवी, माँ आइए आइए, देखिए आपकी लाडली क्या तोहफा लेकर आई है। क्या बात है, क्या हुआ बेटा? आपकी बेटी ने बिना माचिस की तीली जलाए हमारे खानदान की इज्जत को आग लगा दी। ऐसा क्या किया है इस बच्ची ने? आपकी पोती श्रीमती बनकर आई है। हर लड़की मायके में शादी करके ससुराल जाती है, लेकिन ये ससुराल में शादी करके मायके आई है। कूल 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 है। ए, ये इशारे क्या कर रहा है? सीधा खड़ा रहे। आप आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हैं? आशीर्वाद नहीं दीजिएगा? बेटी, तूने तूने शादी कर ली और हमको कब? ये लड़का कौन है? ये तो यही बताएगा। क्यों बे, कौन है तू? नाम क्या है तेरा? जी राजू। राजू तो ऐसे कह रहे हो जैसे राजकुमार हो कहीं के, प्रिंस हो। काम क्या करते हो? जी मैं फास्ट फूड चलाता हूँ। वड़ा पाव का? वड़ा पाव का नहीं। तो भजिया तलते होगे, इडली सांभर बेचते होगे। मेन्यू बदलने से हैसियत नहीं बदलती। अरे इसको भी तो कुछ बोलने देना। इसकी हैसियत क्या है मेरे सामने बोलने की? मैंने सोचा था बेटी पढ़ लिख कर डिग्री लेकर आएगी, लेकिन ये लेकर आई है। तो क्या बुरा किया? तू चुप रह। आप क्यों चुप खड़े हैं? आप क्यों नहीं बोलते कि जो इसने किया है वो गलत किया कि नहीं? हाँ गलत तो किया है, लेकिन लेकिन क्या? वो अब बेटी ने उसको पति मान लिया तो तू भी मान लेना। आप इसे शर्मिला का पति मानिए, लेकिन मैं इसे अपना दामाद कभी नहीं मानूंगा। तू डर मत, मैं हूं। मत रो बेटी, तू तो जानती है तेरा बाप कितना गुस्से वाला और जिद्दी है। उसके सामने मेरी तो क्या, उसके बाप की भी हिम्मत नहीं होती है बोलने की। मैं उनकी बेटी हूं, उन्हें जो कुछ भी कहना था मुझे कहते, लेकिन राजू को इस तरह से बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। बेटा, उनका गुस्सा भी जायज है। बेटी के पैदा होने पर माँ को जितनी खुशी होती है, उससे कहीं ज्यादा खुशी बाप को होती है उसको विदा करके। ये हक तो तूने उनका छीन लिया ना, तो थोड़े से नाराज होंगे ही। चल, खाना लग गया है, जाके राजू को बुला। हूँ जा। बैठो 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 बैठ बैठी। भाई, आज मैं सुबह टहलने के लिए बाहर निकला था तो गांव वाले ने कहा कि ठाकुर साहब, सुना है आपकी पोती की शादी हो गई। मैंने कहा हाँ भाई, लड़का लड़की साथ में कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों में प्यार हुआ, फिर शादी कर ली। इसकी औकात कॉलेज में पढ़ने की नहीं, कैंटीन चलाने की है। शर्मिला बेटी, तुम एक बार अपने दादाजी को बता दो कि तुम्हारी शादी कैसे हुई थी, नहीं तो रोज एक नई कहानी सुना सुना कर लोगों को परेशान कर देंगे। बेटा तुम ही बताओ, तुमने शर्मिला को पहली बार कहाँ देखा था? जब यह ट्रैक पे थी, कूद रही थी। इनका मतलब है कि मैं कॉलेज में रस्सी कूद रही थी। या, तुम लोग पहली बार कहाँ मिले थे? नासिक।
पुना नासिक में पुना या 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 यो या या पुना जगह जरूरी नहीं है, कब मिले थे? मैं जून जून ए ओए या जून या वो धीमी बारिश हो रही थी। कुछ नहीं या। ये क्या बार बार इंटरव्यू ले रहे हैं इनका, कहीं भी मिले होंगे भाई। इसकी हमारी पोती से शादी हुई हमें तो पता है, मगर इसके भी तो माँ बाप का पता चलना चाहिए। जी मेरे माँ बाप नहीं है। कहाँ बड़े हुए? अनाथ आश्रम में। सुना आपने, ये है इसकी असलियत। इसकी जिंदगी अनाथ आश्रम में शुरू हुई और भजिया तलते हुए कैंटीन में खत्म हो जाएगी। कितनी शान से आप अपने खानदान का 400 साल का इतिहास बताते रहे हैं कि आपके पिताजी ने कॉलेज बनवाया, दादा ने अस्पताल बनवाया, दादा के दादा जमींदार थे, उन्होंने 5 नहरें 20 कुएं बनवाए। अब ये आए हैं, इन्होंने कैंटीन बनाई है। क्या सोचकर तुमने मेरी बेटी से शादी की? अरे अपनी हैसियत तो देखी होती, समंदर में नदियां मिलती हैं, छोटे छोटे कुएं नहीं। ससुर जी, समंदर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। और कुआं कितना ही छोटा क्यों ना हो, प्यास बुझाने के लिए कुएं के पानी की ही जरूरत पड़ती है। शट अप! आपको मेरी वजह से काफी बेइज्जती सहनी पड़ रही है ना? आओ बैठो तो सही, आओ। बड़ों के डांटने से छोटों की बेइज्जती नहीं होती है, उनकी डांट में तो कहीं ना कहीं प्यार छुपा होता है। और तुम जरा सोचो, भगवान ने सुनने के लिए कान ही देना था तो क्या उसके लिए एक कान काफी नहीं था? उसने 2 कान क्यों दिए? एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देने के लिए। हाँ एक जरूरी बात, हम दोनों की प्यार की कहानी एक होनी चाहिए, वरना पता चल तुम कुछ और बोल रही हो, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, दोनों फंस जाएंगे। तो कहानी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारी मेरी मुलाकात मेरे अनाथ आश्रम में हो गई, मुलाकात प्यार में बदल गई, और फिर मैं पैसा कमाने के लिए न्यूजीलैंड चला गया, और न्यूजीलैंड से जब पैसा कमाकर लौटा तो तुम्हारे डैडी के डर से हम लोगों दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। ओके ओके ना, कूल रिलैक्स। हाँ बेटा। हाँ दादाजी। आप बेटा, मैं बलराज की गलती की माफी मांगने आया हूँ। हमारे यहाँ तो मेहमान को भी भगवान मानते हैं, और उसने अपने दामाद के साथ ऐसा बर्ताव किया, बेटा मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा दादाजी एक बात बताइए, आपके ये जो बेटे हैं, मतलब तेरा ससुर या ये पिछली बार कब आए थे? पिछली बार नहीं, मतलब कितने साल हो गए इस बात को? तुझे याद है? नहीं याद नहीं है। इनका क्या है कि फिक्स एक्सप्रेशन है गुस्सा। अरे तो उसके बदले मैं हंसता हूं ना। ये दो बिस्तर अलग क्यों? वो दरअसल क्या है ना दादाजी, कि जब मैं बिस्तर पर सोता हूँ तो मेरी पीठ में दर्द हो जाता है, और जब ये जमीन पर सोती है तो इसकी पीठ में दर्द हो जाता है, इसलिए मैं जमीन पर सोता हूँ और ये बिस्तर पर सोती है। झूठ बोल रहा है ना? हैं? मुझसे झूठ बोल रहा है? दोनों में झगड़ा हो गया ना, वो भी इसके बाप की वजह से। अरे कैसा ससुर है कि अपनी बेटी और दामाद के बीच में झगड़ा लगाता है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको आज ठीक करके रखूंगा। अरे नहीं नहीं दादाजी, ऐसा मत। एक तू आज मैं उसको समझाऊंगा कि वो मेरा बाप नहीं, मैं उसका बाप हूँ। देख तू आज मैं क्या करता हूँ दादाजी। बलराज कहाँ है तू? जी कहिए। वो बोलिए ना, क्या बात है? मैं तुझे गुड नाइट कहना भूल गया था। गुड नाइट। माँ, दादी, दादाजी, डैडी, हे शर्मिला, शर्मिला, दीदी आप? अरे लक्ष्मी, सब लोग कहाँ गए? कोई नजर ही नहीं आ रहा है।
सब लोग मंदिर गए हुए हैं। मंदिर? मंदिर क्यों? शर्मिला दीदी ने शादी कर ली ना, उनको और उनके पति को लेकर मंदिर गए। शर्मिला ने शादी कर ली? ये हमारे पुरखों का बनाया हुआ मंदिर है। जब भी हमारे यहाँ शादी होती है, वर वधू को यहीं दर्शन करने ले आते हैं।